उत्तराखंड में गंगोत्री से उत्तरकाशी तक मानव श्रृंखला आयोजित की गई। आयोजन के जरिए सिद्धि गंगोत्री में स्वच्छ संकल्प, स्वच्छता, जन जागरण एवं वातावरण सजृत का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री अरविंद पांडे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंत्री ने गंगोत्री मंदिर परिसर में विधिवत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तराखंड बीजेपी का संगठन मिशन 2019 की तैयारियों में जुट गया है। चुनाव के वक्त संगठनात्मक लिहाज से कोई कमजोरी ना रहे, इसके लिए दिल्ली आला कमान भी लगातार काम कर रहा है। लिहाजा अमित शाह के बाद सह संगठन महामंत्री सोदान सिंह ने बीजेपी के मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की और कई जरूरी टिप्स दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सोदान सिंह ने बीजेपी के सभी मोर्चों को मजबूती के साथ धरातल पर काम करने का निर्देश दिया। सोदान सिंह ने ये भी कहा कि बीजेपी को ग्राम पंचायत स्तर तक अजय बनाना होगा और इसके लिए हर कार्यकर्ता को पूरी मेहनत से काम करना होगा। बीजेपी का दावा है कि पूरी पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। जो मोर्चे हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो सतत क्रियाशील रहें, जितने क्रियाशील हैं उनको और अधिक क्रियाशील होना चाहिए। उनके एक साल के कार्यक्रम बना के हम उनको देने वाले हैं, ताकि जो उन्होंने अभी कोट द्वार में अपनी कार्य समिति की है और उसके बाद हर महीने उनके जो कार्यक्रम होंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तरह से हम तीन तीन महीने के उनको कार्यक्रम देंगे और इस तरह से तीन 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 चार बार बना के एक साल तक के उनके कार्यक्रम फिक्स करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की मीटिंग में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी कांग्रेस की बैठक में प्रस्ताव रखा। हरीश रावत ने नया पीसीसी चीफ चुनने, एआईसीसी के सदस्य चुनने का प्रस्ताव रखा, जिसे नया पीसीसी चीफ और एआईसीसी के सदस्य चुनने का अधिकार सोनिया गांधी को दिया गया। हरीश रावत का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में झोलाछाप डॉक्टर्स और देसी कारखानों पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई है। देसी दवा खाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक्सपायरी डेट की दवाओं के साथ फंगस लगी खराब दवाएं भी बरामद की। एक हकीम द्वारा जो दवाइयां बिक्री की जा रही हैं और उसमें फंगस वगैरह लगे हैं। अभी सूचना पर जो एक चिकित्सक हैं डॉक्टर पटवाल जी हो गए, उन्होंने देखा, उनके द्वारा भी हमें सूचना दी गई फंगस लगी हुई लोकल दवाइयां पाई गई हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग उनके द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड में शराब को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पहाड़ी जिलों में शराब बेचने की टाइमिंग पर सरकार ने यू टर्न लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक पहाड़ी जिलों में भी अब सुबह 10 से रात 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। शराब को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे तमाम सवालों को बीजेपी ने सिरे से खारिज किया है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट का दावा है कि सरकार हमेशा जनता की सहूलियत के हिसाब से फैसले लेती है, अगर कोई फैसला बदलना भी पड़े तो इससे सरकार पीछे नहीं हटती। उत्तराखंड के काशीपुर डिग्री कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव की सारी तैयारियां कॉलेज प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से लगभग 150 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है, जिससे शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न करवाया जा सके। कॉलेज प्रबंधन के चुनाव अधिकारी ने बताया कि 10 पदों पर लगभग 6000 छात्र मतदान करेंगे, जिसके लिए कुल 12 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 7 में छात्र मतदान करेंगे और बाकी के 5 में छात्राओं के मतदान की व्यवस्था की गई है और कॉलेज प्रांगण में बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की गई है। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि आई कार्ड और फीस स्लिप की सहायता से छात्र अपना वोट डाल सकते हैं। उन्होंने बताया चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से पुलिस की व्यवस्था की गई है। कल के चुनाव के लिए हमने अपने जो बूथ का निर्माण आज हमने करा लिया है और उसमें हमने 12 बूथ बनाए, जिसमें हमारे 7 छात्राओं के लिए जो पीजी ब्लॉक में रहेंगे और 5 हमारे ये मुख्य भवन में जो प्रशासनिक भवन है, और इसमें छात्र मतदान करेंगे और उसमें हमने जो अपना ये पूरा गेट की बैरिकेडिंग के लिए और ये मतलब जो है मतगणना के लिए सारा हमने टेबल का सब ये निर्माण करने के लिए आज हमारा जो है सब तैयारी हमारा चल रहा है।
उत्तराखंड की मंगलौर पुलिस ने कुमराड़ी गांव के एक घर से एक कुंटल गोमांस समेत एक आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के पास से गोमांस काटने के औजार भी बरामद किए। पुलिस को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि गांव में गोमांस की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर गोमांस समेत एक आरोपी को दबोच लिया। देखिए, आज हमें सूचना मिली थी, ग्राम कुमराड़ी पड़ता है हमारे थाना क्षेत्र में। यहाँ लोगों ने बताया कि साहब यहाँ गौकशी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस सूचना पर जब गांव में संबंधित जगह पर दबिश दी गई, तो वहाँ एक मुराद नाम का आदमी हमने पकड़ा है और उसके पास से 100 किलो गोमांस, खाल, सींग, जायके और तो कुल्हाड़ी, छुरी इत्यादि जो हथियार जिनसे गौर किया गई, ये बरामद किया गया।